पंजाब दे अंदर एक बार फिर गोलीबारी की घटना वापरी है। ये गोलीबारी की घटना जलंधर दे विच वापरन की सूचना है, जिस विच एक बाउंसर का गोलियां मार के कतल किए जाने की खबर है। मृतक की पहचान रविंदर वजो हुई है, जो कि पेशे तो बाउंसर दसया जा रहा है। दसना बनता है कि बीती रात थाना रामा मंडी की हद में पेंदे सतनाम नगर में दो धिरां विचाले हुई बहसबाजी तो बाद गोलियां चल गई। इस दौरान अपने दोस्त नाल आया बाउंसर रविंदर का गोलियां मार के कतल कर दिया गया। इस गोलीबारी विच एक औरत भी गंभीर रूप विच जख्मी दसी जा रही है। दसिया यह भी जा रहा है कि जख्मी हालत विच औरत नूं स्थानक अस्पताल विखे दाखिल करवाया गया है, जिथे उन्हां दा इलाज जारी है। इस घटना के पुलिस अधिकारी निर्मल सिंह का कहना है कि सतनाम नगर विखे वापरी गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि पेशे तो बाउंसर से। पुलिस मुताबिक गोलियां चलाने वाले मुलजमा की पहचान की जा रही है। फिलहाल गोलियां चलाने वाले खिलाफ वक् वक् तरह तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मनमोहन सिंह राजू, मैं कौंसलर है जी वार्ड नंबर 16 तो, जिथे गोली की घटना हुई मेरे वार्ड की सतनाम नगर हिस्सा है। ये दोनों आपस ताई चाची के सके मुंडे है जी, कोई पुरानी रंजिश हो सकती है दोनों की आपस जिदे करके मतलब अज गोलीबारी हुई है। अगे भी जो बलजिंदर के कहने मुताबिक दो तीन बारी उन्हें अगे भी झगड़ा करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन यह टाल दे रहे। अज बलजिंदर का कोई दोस्त सोनू घर आया छड्डन वास्ते, सोनू हुणी बाहर आए थे बलजिंदर हुणी, ते इन्नी देर नूं जिहड़ा वे गुरमीत ओलख आ गया अपना मोटरसाइकिल लैके, उन्होंने इन्हां दी कार च मोटरसाइकिल मारिया। उत्थों इन्हां दा थोड़ा जिहा मूली जिहा विवाद होया, जबकि बलजिंदर उन्होंने विवाद टालन की कोशिश की भी किस तरीके विवाद टल जाए, उन्हें इन्हूं अंदर करन की कोशिश की अपने ताए दे मुंडे नूं, लेकिन उहदे ताए दे मुंडे ने शराब पीती हुई थी बलजिंदर दे कहण दे मुताबिक, और उन्हें अपना जो लसेंसी रिवालवर थी उसे कढ के फायर एक रविंदर कुमार सोनू दे मारिया, जो कि छाती से लगा तो उसकी जिहड़ी मौत हो गई है। तो दूजा जिहड़ा फायर है एक खाली गया जिहड़ा बलजिंदर ने मारिया, तीजा फायर जिहड़ा बलजिंदर की माता के लत्त के उत्ते लगा वे। तो उस संबंध के विच असीं अज ऑक्सफोर्ड के हॉस्पिटल नूं लैके आए हैं, तो जिहड़ी अगली कार्रवाई है तो पुलिस की निगरानी हेठ है, तो जो पुलिस कार्रवाई करेगी। पुरानी रंजिश हैगी, अगे भी हां पुरानी रंजिश हैगी, अगे भी दो तीन बारी इन्हां दे झगड़ा होण दी हुई है, नौबत आई है, लेकिन टल गया वे इन्हां इन्हां वालों टालिया गया बलजिंदर वालों हमेशा ही भी झगड़ा ना हो। राजू जी थोड़े पड़ोस गोली चली है, गोली का कारण की समझ दो? मैं तो यही समझदा कोई रंजिश हैगी आपस, कोई तरीके की रंजिश हैगी है, जिदे करके अज जी गोलीबारी जरा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 8:20-25:30 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8:20-8:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ SHO ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨਾਮਪੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ SHO ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਇਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਰੁੜਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
एक्चुअल जिहड़ा मुंडा बलजिंदर हैगा वा ये एक इन्हां दी एक बाउंसर कंपनी है वह मुंडा बाउंसर सी जिहदी डैथ हुई है वह आप एक दूजे नूं मिलण गिण आउंदे जांदे रहिंदे आ रूटीन च आउंदे आ कोई एड्डी कोई स्पैशली नहीं आया है उहदे गोली छाती च लगी है सर टोटल किन्ने ने ते गोली लगी दस्सिया जा रहा कि किसी औरत दी गोली लगी इत्थों तक हुण किसी औरत दी गोली लगी इत्थों तक हुण तक साडे नोटिस दे विच आया हैगा जिन्नी साडी हुण तक दी प्राइम दी पुछगिछ हैगी आ जिहड़ी रविंदर है रविंदर ते एक बुलेट लगा हैगा सिर्फ सिंगल बुलेट है और उहदी छाती ते सी उहदी जिहड़ी डैथ हो चुकी हैगी आ ते दूसरा जिहड़ी गोली लगी हैगी आ उह इहनां दे माता जी हैगे ने जिन्हां दा नाम हैगा वा नाम सीगा कुलजीत कौर फिलहाल जेडे उथो सानू दो कैटरिज मिले हैगे ने पर असि इमीडिएटली ते सानू इत्थे हॉस्पिटल आउणा पै गया फिलहाल साडे कोल दो कैटरिज निर्मल सर निर्मल सर निर्मल सर प्रशासन दी इहदे च ढिल नहीं है कि जे इस तों बाद इह काम हो रिहा वा जे लाइसेंसी रिवॉल्वर तों इदां फायर हो के किसी दा कतल कीता जांदा इक लेडी दी इंजर्ड हो रही है और साडे जिहड़े जिले दी फिगर हैगी 200 तों उपर है रद्द किस बंदे दा हुंदा हैगा जिहड़ा बंदा किसी ऑलरेडी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी विच इनवॉल्व है हो सकता है ये पहली ऐसी हो वारदात पहला उन्हें कोई इस तरह की वारदात ना की हो क्योंकि असी तो हर एक असला लाइसेंसी टोटली वेरीफाई कर रहे हैं जेडे सानू लगते है 71 मैं थोड़ा पहले भी 71 मैं कल ने किए रिकमेंडेड कि इन्हों लोड़ नहीं हैगी सर जो कह रहे हो कि जेडे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जिस भी बंदे दे खिलाफ आर्म लाइसेंसी की मैं गल कर रहा किसी भी आर्म लाइसेंसी के खिलाफ अगर कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है आर्म्स एक्ट ही सानू इम्पावर्ड कर दिया गया कि असी उहदी असला लाइसेंस नू कैंसल्ड कर दिए ठीक है ना जी ये जिहड़ी वारदात आ एक एक्सीडेंटल वारदात है एक्सीडेंटल तो जिहदे विच असला उहने अपना लाइसेंस यूज किया बिल्कुल चाचे ताए दे पुत्त नो फायर किया हैगा वा गुरमीत सिंह औलख ने बलजिंदर उन्हें पहला फायर मतलब बलजिंदर ते नहीं होया पहला फायर होया रविंदर ते जिहड़े मुंडे की डैथ हो गई है दूसरा फायर होया बलजिंदर की मां कुलजीत कौर ते सर जिहड़ा रिव्यू करने वास्ते पंजाब गवर्नमेंट ने कहा सी असला जिहड़े डिस्ट्रिक्ट लैवल ते होणे आ देखो जरा जलंधर बहुत ज्यादा लाइसेंसी असला है हर एक एसीपी दी साडे सीपी सर ने ड्यूटी लाई है फॉर एग्जाम्पल मैं एसीपी सेंट्रल है तो मैंने अपनी सब डिवीजन दे 71 असले जिन्हां दी कोई जरूरत नहीं है वह असला लाइसेंस असीं कैंसल वास्ते कल मैं रिकमेंड कर चुका वा बाकी दी जिहड़े रिव्यू ओह जारी है सर बाकी दी कंडीशन किस तरीके दी है बाकी जेडे ने माता कुलजीत कौर है वो जेडे आउट ऑफ डेंजर ने उन्होंने जेडे गिटे दे उत्ते बुलेट लगा है वो ठीक है मैं गलबात करके आया वो बिल्कुल नॉर्मल जिहदे हाथ दे विच लगी कल्ला ही सी ओ गुरमीत।